तीन चीता और ऑस्ट्रिच। एक साल जंगल में सूखा गिर जाता है। उसी जंगल में दो भाई बहन ऑस्ट्रिच रहते थे। सूखे की वजह से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वो भी खाने की तलाश में दूसरे जंगल जा रहे थे। बीच रास्ते में भाई ऑस्ट्रिच को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तब वो कहता है, दीदी बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक भी गया हूँ, अब मुझसे आगे नहीं चला जा रहा। अरे बस थोड़ी दूरी पर है दूसरा जंगल, वहाँ चलते ही मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ, बस थोड़ी देर धीरज रखो। बहन ऑस्ट्रिच अपने भाई को दिलासा देती है और आगे चलते रहने के लिए कहती है, पर थोड़ी ही देर में भाई ऑस्ट्रिच रुक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, दीदी अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, आंखों के सामने तो अंधेरा सा छा गया है, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अपने भाई की ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो आसपास देखती है कि कुछ खाने को मिले, उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो अपने भाई से कहती है, सुनो मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए कुछ मिलता है क्या ये देख कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुकना, यहाँ से कहीं नहीं जाना। ऐसा कहकर वो अपने भाई को पेड़ के नीचे छोड़कर खाना ढूंढने जाती है। सूखे की वजह से दूर दूर तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ तीन भूखे चीते आते हैं। तब एक चीता कहता है, अरे यार ये क्या मुसीबत आई है, इस साल का सूखा सारे जानवरों को परेशान करके रखा है। अरे बाकी के जानवरों के बारे में क्या सोच रहे हो, खुद के बारे में सोचो, ये सब जानवर यहाँ से जा रहे हैं, फिर हमें खाने के लिए क्या रहेगा। अरे सही कह रहे हो, वैसे कुछ दिनों से कहाँ पेट भर कर खाना मिला है, ऊपर से ये गर्मी, पीने के लिए पानी भी नहीं है। ऐसे बोलते हुए वो आगे जा रहे थे कि उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे ऑस्ट्रिच पर जाती है। तब एक चीता कहता है, आखिरकार भगवान ने हमारे लिए खाना भेज दिया, वो देखो तंदुरुस्त ऑस्ट्रिच। अरे पर ऑस्ट्रिच की किक बहुत जोरों की लगती है, हम में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके, ऐसे में क्या हम उसका शिकार कर पाएंगे। अरे देखो उसे अच्छे से, लगता है कि वो भी भूखा है, अगर हमने उस पर हमला किया तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, हम आसानी से उसे मार डालेंगे, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों उस ऑस्ट्रिच के पास जाने लगते हैं। उधर बहन ऑस्ट्रिच को कुछ फल खाने के लिए मिल जाते हैं, उसे बहुत ही खुशी होती है। वो फल लेकर अपने भाई के पास आने लगती है। तब वो देखती है कि तीन चीता उसके भाई पर हमला करने वाले हैं। तब वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान ये तीन चीते कहाँ से आए, मेरे भाई के पास अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके, मुझे जल्दी ही जाकर उसे बचाना होगा। ऐसा कहकर बहन ऑस्ट्रिच फल संभालते हुए तेजी से दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाती है। तब तक तीन चीतों ने उस ऑस्ट्रिच पर हमला कर दिया था, उसे अपने पंजों में जकड़ लिया था। अब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी बहन ऑस्ट्रिच वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, छोड़ दो मेरे भाई को, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तीन चीता उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी बात नहीं मानते। तब बहन ऑस्ट्रिच पूरी ताकत से चीता पर हमला करती है। वो अपने लंबे पैरों से चीता को मारने लगती है, जिस वजह से चीता भाई ऑस्ट्रिच को छोड़ देते हैं। तब चीता कहता है, अरे ये बहन ऑस्ट्रिच कमजोर नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकती है, पता है ना अगर इसकी एक भी किक सर पर लगी तो भेजा बाहर निकल आएगा, अब तो भलाई इसमें ही है कि यहाँ से भाग लो। तब वो तीन चीता बहन ऑस्ट्रिच का ये रूप देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। बहन ऑस्ट्रिच अपने भाई ऑस्ट्रिच को फल खाने के लिए देती है, फल खाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तब वो कहता है, दीदी तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, तुम तो मेरी माँ जैसी हो दीदी। ऐसा कहकर वो अपने बहन का धन्यवाद करता है। उस दिन वो वहीं पर रुककर आराम करते हैं और दूसरे दिन जंगल जाने के लिए वो निकल पड़ते हैं।
जंगल में ये दो जंगली गाय रहा करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन एक गाय को जंगल के दूसरी ओर कुछ काम था, पर वहाँ जाने से वो डर रही थी, क्योंकि उस जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था जो रास्ते में मिलने वाले सभी प्राणियों को खा जाता था। पर उस गाय का जंगल के दूसरी ओर जाना भी बहुत जरूरी था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कि तभी दूसरी गाय ने उसे एक बड़ी अच्छी सलाह दी। अरे तुम डरती क्यों हो, वो बाघ जितना खूंखार है उतना ही बुद्धू भी है। तुम आसानी से उसे मूर्ख बनाकर वहां से निकल सकती हो। तुमने हमारे पूर्वज की वो कहानी नहीं सुनी, कई साल पहले उन्होंने भी ऐसे ही किया था। अपनी दुख भरी दास्ता बाघ को सुनाकर वहां से बच निकली थी। तुम भी ठीक वैसे ही करना और थोड़ा खुद का दिमाग भी लगा लेना, इतनी होशियार तो तुम हो ही। हाँ ये सही रहेगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपना दिमाग भी लगाऊं। अपनी ही मस्ती में गाय जंगल की दूसरी ओर जाने लगी। वो दूसरी ओर पहुंची और अपना काम किया। वो वापस लौट रही थी कि अब उसे थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं उसके सामने वो खूंखार बाघ ना आ जाए, और यहाँ वहां देखते हुए वो संभल कर चलने लगी कि अचानक उसके सामने बाघ ने छलांग लगाई और जोर से दहाड़ भी लगाई, जिसे सुनकर गाय कपकपाने लगी, उसके पसीने छूट गए। लगा कि अब तो वो गई और उसका बचना भी मुश्किल ही है। तभी उसे अपने दोस्त की कही बात याद आ गई और उसने जैसे तैसे ठाडस बांध कर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बाघ के सामने विनती करने लगी। हे जंगल के राजा, मुझे जाने दो, मेरे घर पर मेरी बीमार बहन मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं वहां नहीं गई तो वो मर जाएगी, कृपया करो और मुझे अपने घर जाने दो। उसे वो दवाई देकर चाहे तो तुम में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। कई साल पहले ही ऐसे ही एक गाय ने मेरे पूर्वज को बेवकूफ बनाया था और बचकर निकल गई थी। काम नहीं आएगा, आज मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। बाघ की बात सुनकर गाय डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी तरह से अकल लगा रही थी और थोड़ी ही देर में वो सोचने लगी। उसे वहां खड़ा सोचता हुआ देख बाघ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उससे पूछने लगा कि आखिर वो क्या सोच रही है। ज्यादा सोच मत और मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे तुम सोच क्या रही थी? महाराज मैं तो बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या सोच रही थी तुम मेरे बारे में? यही कि मुझे खाने के बाद आप कितना तड़प तड़प कर मरोगे। अच्छा है वो सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये सब सुनकर तो थोड़ी देर के लिए बाघ भी डर गया। उसे गाय की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी उसने उसे पूरी बात बताने को कहा। वो जानना चाहता था कि गाय आखिर ऐसा क्यों कह रही है, आखिर उसको खाने के बाद वो क्यों तड़प कर मरेगा। वो मुझे एक बहुत भयंकर बीमारी है और मेरी वही बीमारी मेरी बहन को भी लग गई। अगर हमें कोई भी खाएगा तो उसे भी वो बीमारी लग जाएगी। पर वो क्या है ना कि हम शाकाहारी हैं, इसीलिए उस बीमारी को हम पर धीरे धीरे असर होता है, पर किसी मांसाहारी पर तो झट से वो बीमारी लग जाएगी और वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसे तो दवा लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं बस वही दवा तो मेरे और मेरे बहन के लिए लेने गई थी, उसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप मुझे भेजिए खाइए, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो वैसे भी मरने ही वाली हूँ, पर मुझे आपकी जान की चिंता है कि नहीं। भगवान आपका भला करे और आपको सद्बुद्धि दे। ये सब सुनकर बाघ पूरी तरह से डर गया और उसने खुद को ही तड़पते हुए मरता देख भी लिया और उसकी रूह कांप उठी। उसने तुरंत उस गाय को खाने का विचार अपने मन से निकाल दिया और उस गाय को कहा कि अब वो गलती से भी कभी उसके सामने नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है और मैं इस जंगल का राजा हूँ और राज करना चाहता हूँ। जाओ तुम अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। नेकी और पूछ बाकी बातें सुनते ही गाय वहां से 9 to 11 हो गई और हाफते हाफते अपने घर वापस पहुंची।
उसे हाँफता देख उसकी सहेली ने उससे सारी बात पूछी और उसने भी खुशी खुशी सारी बातें बता दी और दोनों उस बाघ की हालत पर खिलखिला कर हंसने लगे और एक बार फिर गाय ने अपनी चतुराई से बाघ को मूर्ख बना दिया।